स्वागत है। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित फोर्टिस हॉस्पिटल ने 15 दिन के इलाज के लिए परिवार को थमाया 18 लाख का बिल, इसके बावजूद भी बच्ची की जान नहीं बच पाई। आइए देखते हैं अराइव 24 न्यूज की रिपोर्ट। एक 7 साल की बच्ची के डेंगू के इलाज का बिल 18 लाख रुपए आया है, इसके बावजूद अस्पताल बच्ची को बचा नहीं पाया है। बच्ची के परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया है। मामले में बच्ची के पिता ने न्याय की गुहार लगाई है। दिल्ली के द्वारिका निवासी जयत सिंह की 7 वर्षीय बेटी आध्या सिंह को डेंगू हो गया था, जिसके चलते उसको रॉकलैंड में भर्ती कराया गया था, जहां बाद में उसे दिल्ली से सटे गुरुग्राम स्थित फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट रेफर कर दिया गया था। 7 साल की आध्या को शायद पता ही नहीं था कि जिन डॉक्टरों पर भरोसा करके माँ बाप ने उसकी जिंदगी सौंपी है, वही मौत के सौदागर बनकर उसकी जान का सौदा कर रहे हैं। शानदार बिल्डिंग, आधुनिक सुविधाओं और देश भर में अपनी शाखा का दावा ठोकने वाले फोर्टिस अस्पताल पर आध्या के माँ बाप ने ऐसे ही संगीन आरोप लगाए हैं। मुनाफखोरी की हद देखिए, डेंगू के इलाज के लिए अस्पताल 18 लाख का बिल बना देता है और बड़े बेशर्मी के साथ बेटी का शव थमा दिया गया। जयंत ने बताया कि फोर्टिस हॉस्पिटल ने उनकी बच्ची के इलाज के लिए 18 लाख रुपए का बिल थमाया है। इसमें 660 सिरिंज और 2700 ग्लव्स का भी बिल शामिल है। इसके बावजूद उनकी बेटी को बचाया नहीं जा सका। अस्पताल में भर्ती रहने के लिए 15 दिन बाद उनकी मौत हो गई।